ये स्लिंग बैग देखते हैं। देखिए इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन देखिए क्या है, कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और प्रोडक्ट दिखाता हूँ जो अमेजोन पे बिक रहा है। देखिए ये बैग का सेट है, ये बैग इसका देखते हैं कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है। देखिए इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन भी चाइना है, ये भी चाइना से इंपोर्ट करके लोग अमेजोन पे बेच रहे हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। इनिशियल उनका जो प्रोडक्ट है उसको वो चाइना से सोर्स कर लेते हैं, क्वालिटी वगैरह चेक कर लेते हैं, अपना स्टोर सेटअप कर लेते हैं, सेल्स वगैरह का एक्सपीरियंस हो जाता है। उसके बाद जो है ना धीरे धीरे वो इंडिया में डाइवर्सिफाई करते हैं। मार्केट ऐसा सुनने में एक बहुत ही बोरिंग मोड लग सकता है, बट व्हेन इट कम्स टू चूजिंग द राइट प्रोडक्ट फॉर योर फर्स्ट इंपोर्ट इट बिकम्स वेरी वेरी क्रूशियल। आज के फास्ट पेस डिजिटल वर्ल्ड में ई कॉमर्स सेलिंग एक बहुत ही पॉपुलर जरिया बन चुका है ऑफ स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि वाइडर कस्टमर रीच, लोअर ओवरहेड कॉस्ट एंड एबिलिटी टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर। बट एट द एंड ऑफ द डे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि बेचे क्या। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं ऑनलाइन सेल करने के लिए, बट एक प्रॉफिटेबल को ढूंढ पाना सीरियसली इट्स नॉट एन इजी टास्क। कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि ये प्रोडक्ट तो मार्केट में आग लगा देगा, बट हो सकता है कि वो मार्केट में आग लगाए बट ऑन अ पर्टिकुलर सीजन, जैसे कि दिवाली के टाइम पे यूनिक गिफ्ट्स और जनवरी के टाइम पे फिटनेस रिलेटेड इक्विपमेंट। फिटनेस एज अ न्यू रेजोल्यूशन मजल जुड़ू। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई जानने वाला हो और वो अलीबाबा से कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करके अच्छी खासी सेल कर रहा हो, बट जब आप उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करें और सेल करें तो आपको पता चले कि ये मार्केट तो ऑलरेडी सैचुरेटेड है और सिर्फ आपका दोस्त ही नहीं 10 लोग और ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं एट अ वेरी वेरी लो मार्जिन। सो टू स्टार्ट अ प्रॉफिटेबल इंपोर्ट बिजनेस आपको उस प्रोडक्ट का डिमांड, कॉम्पिटिशन, यूनिकनेस जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे आप डेटा का यूज करते हुए मार्केट रिसर्च कर सकते हैं और एक हाईली प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट स्लैश निश ढूंढ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रोडक्ट रिसर्च यानी कौन सा प्रोडक्ट इस टाइम पे मार्केट में आग लगा रहा है और उसको किस तरह आइडेंटिफाई करना है से रिलेटेड सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। सो एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के कुछ बेसिक क्राइटेरिया है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए बिफोर फाइनलाइजिंग योर फर्स्ट प्रोडक्ट। पहला है सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट साइज एंड वेट, प्रोडक्ट सिंप्लिसिटी, पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल। सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, इनिशियली जब आप बात करते हैं ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने की तो उस प्रोडक्ट के वायरल जाने के पीछे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है उसका सेलिंग प्राइस। आप शुरू में ही कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल नहीं करना चाहेंगे जिसका प्राइस बहुत एक्सपेंसिव हो, क्योंकि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदने से पहले कस्टमर बहुत सोचता है और खरीदने के बाद अगर उसको पसंद ना आए तो वो वापस भी कर देता है। इसीलिए शुरू में आपको एक ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना चाहिए जिसको आप काफी कम दाम में सेल कर पाए। बट हाँ, यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको एटलीस्ट 30-40% का मार्जिन उसमें जोड़ना पड़ेगा टू कवर अप योर ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। दूसरा है प्रोडक्ट साइज एंड वेट, यानी वेट एंड साइज ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का साइज एंड वेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है व्हेन इट कम्स टू फाइनलाइजिंग योर फर्स्ट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के साइज और वेट पर डिपेंड करता है कि आपका लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना रहने वाला है। जब भी आप बात करते हैं किसी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने की फ्रॉम चाइना या किसी और कंट्री से, तो उसके लैंडिंग कॉस्ट का एक बहुत ही मेजर कॉस्ट होता है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट का डिसाइडिंग फैक्टर होता है साइज एंड वेट ऑफ द प्रोडक्ट। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितना वैल्यूएबल प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, फ्रेट कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमेशा उसके साइज और वेट पे ही डिपेंड करता है। इसके अलावा आप जब अमेजोन या किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं तो 500 ग्राम से नीचे वाले प्रोडक्ट्स जो हैं उसकी डिलीवरी कॉस्ट हमेशा सस्ती पड़ती है। देयरफॉर ऑलवेज कंसीडर द साइज एंड वेट ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर फाइनलाइजिंग योर फर्स्ट प्रोडक्ट। तीसरा है प्रोडक्ट सिंप्लिसिटी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका पहला वायरल प्रोडक्ट चूज करने का। प्रोडक्ट सिंप्लिसिटी से मेरा मतलब है क्या ये प्रोडक्ट कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है, क्या ये बस कोई एंटरटेनमेंट रिलेटेड प्रोडक्ट है, क्या इसमें बहुत सारे मूविंग पार्ट्स है। फॉर एग्जांपल चलो मान लेते हैं कि आपने जो है ब्लूटूथ ईयरफोन सेल करने का मन बना लिया है, बट इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें ना बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आपका सेल खराब कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि कस्टमर बोले ये ईयरफोन तो मेरे फोन में पेयर ही नहीं हो रहा, या फिर इसका इसमें तो बेस ही नहीं और मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। इसीलिए आपका इनिशियल प्रोडक्ट का सिंपल, इजी टू यूज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फोर्थ है पेरिशेबल और कंज्यूमेबल प्रोडक्ट। अपना पहला प्रोडक्ट पेरिशेबल तो बिल्कुल भी ना सिलेक्ट करें ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कि आपको लगे कि पेरिशेबल में तो रिपीट कस्टमर मिल सकते हैं क्योंकि कस्टमर एक बार खरीदेगा कंज्यूम करके फिर खरीदेगा, बट इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। एक तो पेरिशेबल की शेल्फ लाइफ होती है, दूसरा इसमें लाइसेंसेस बहुत सारे लगते हैं जैसे कि इंडिया में सेल करने के लिए फसाई, तीसरा अलग अलग प्लेटफॉर्म के अलग अलग कंप्लाइंसेस है टू सेल दिस प्रोडक्ट्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म। इसीलिए पहला प्रोडक्ट पेरिशेबल अपने रिस्क पे ही सिलेक्ट करें। हाँ हाँ, मुझे पता है कि आप लोग मन मन में ये सोच रहे होंगे कि भैया ये किताबी ज्ञान तो सारे लोग देते हैं, मुझे ये बताओ कि ये जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं इनको ढूंढे कहाँ, बाकी आगे का हम देख लेंगे। ठीक है, मेरे रिसर्च के हिसाब से 2 मेजर प्लेटफॉर्म है जहां पे आप ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला है फेसबुक और दूसरा है मेरा फेवरेट अमेजोन। पहले मैं आप लोगों को फेसबुक के बारे में दिखाता हूं कि फेसबुक में जाके आप किस तरीके से एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट इस टाइम पे ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट लोग इस टाइम पे ऑलरेडी एड दे रहे हैं फेसबुक पे, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको जाना है फेसबुक एड लाइब्रेरी में। सबसे पहले आपको फेसबुक एड लाइब्रेरी में जाना है। यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को दिख रहा होगा कि इंडिया सिलेक्टेड है,
और ऐड कैटेगरी में ऑल ऐड कैटेगरी डाल दीजिए। अब यहाँ पे जो आपको सर्च है ना, क्योंकि आप ऐसे ही रैंडमली कुछ सर्च नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे जो है कुछ कीवर्ड डालना पड़ेगा और कीवर्ड के अकॉर्डिंग जो है फेसबुक आप लोगों को ऐड दिखाएगा कि इस टाइम पे कौन से ऐड ट्रेंडिंग है उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, कौन से प्रोडक्ट ऑलरेडी ट्रेंडिंग है आप लोगों को नहीं पता है, आप कुछ यहाँ से चूज करना चाहते हैं तो आप लोगों को सिंपली यहाँ डालना है 50% डिस्काउंट, 75% डिस्काउंट या मेरा फेवरेट COD। COD डाल के अपन सर्च करेंगे यहाँ पे और देखिए यहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं ये इस टाइम पे जो है लोग जिसके एड्स दे रहे हैं जो कि प्रोडक्ट इस टाइम पे सेल हो रहे हैं ऑनलाइन। देखिए 50% ऑफ में कुछ एड्स निकल के आए हैं। तो ये सारे आप जो है यहाँ से देख सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स ट्रेंडिंग हैं और कौन से प्रोडक्ट्स के एड्स जो है इस टाइम पे फेसबुक पे लोग रन कर रहे हैं। तो यहाँ से भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। फेसबुक ऐड लाइब्रेरी में चेक करने के दो फायदे हैं, एक तो आप लोगों को जो है ट्रेंडिंग प्रोडक्ट मिल जाएगा, दूसरा है कि अगर आप बैग्स बेचना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि कॉम्पिटिटर्स जो है आपके वो बैग्स से किस तरह के एड्स रन कर रहे हैं ताकि आप लोगों को भी थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिले और आप भी जो है उसके अराउंड अपना कोई ऐड बना सके। तो देखिए ये कुछ बैग्स के ऐड हैं जो इस टाइम पे फेसबुक पे रन कर रहे हैं, सो आप यहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। अब ये देखिए मैं एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ आपको, देखिए डंबल डाल के दिखा रहा है बैग के अंदर कि बैग नहीं टूटेगा। तो यहाँ से आप लोगों को जो है एक तो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट मिल जाएगा, दूसरा ये है कि आप लोगों को ये दिख जाएगा कि कौन सा अगर आपने कोई प्रोडक्ट चूज़ कर लिया तो उसका ऐड किस तरीके से आपको क्रिएट करना है, किस तरीके से एक एंगेजिंग ऐड बनाना ताकि आपकी जो है सेल अच्छी आए इस प्रोडक्ट पे। दूसरा तरीका है अमेजॉन। अमेजॉन सबसे बेस्ट तरीका है मुझे जो लगता है कि एक नॉर्मल लेमैन जैसे कि मैंने भी सारा रिसर्च ही किया है तो मेरे को भी सबसे सही तरीका लगा अमेजॉन। तो आप लोगों को सबसे पहले जाना है गूगल पे और यहाँ पे टाइप करना है अमेजॉन मूवर्स एंड शेकर्स। Amazon Movers and Shakers से सबसे पहला जो लिंक आएगा आप लोगों को उस पर क्लिक कर देना है। Amazon Movers and Shakers का ये होता है कि आवर बिगेस्ट गेनर इन सेल रैंक ओवरऑल पास्ट 24 आवर्स में, इनके जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बिकने वाले प्रोडक्ट है ना वो Amazon Movers and Shakers में ये लोग दिखाते हैं। यहाँ से आप लोगों को एक बहुत सही आइडिया मिल जाएगा कि इस टाइम पे Amazon पे कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंडिंग है। आपको पता है कि इंडिया का सबसे बड़ा, इनफैक्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस Amazon ही है और Amazon पे जो प्रोडक्ट बिक रहा है वो कहीं भी बिक जाएगा। और हो सकता है कि आप भी कोई प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो तो Amazon पे भी आप उसको जरूर लिस्ट करेंगे अपने Shopify या किसी और वेबसाइट पर इंडिपेंडेंट वेबसाइट के साथ। तो यहाँ पे अपन जाते हैं जी स्लिंग बैग देखते हैं, देखिए ये स्लिंग बैग है। अब सबसे अच्छी चीज़ है देखिए इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन देखिए क्या है, कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना है, मतलब चाइना से इंपोर्ट करके लोग यहाँ पे बेच रहे हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ, इस बैग के स्टोर में चलते हैं, इस बैग का जो स्टोर है और देखते हैं कि ये क्या क्या आइटम और बेच रहे हैं और वो कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं या खुद बना रहे हैं, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है या उसको इंपोर्ट किया जा रहा है। तो देखिए ये जो है ये भी चाइना से इंपोर्टेड है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और प्रोडक्ट दिखाता हूँ जो अमेजॉन पे बिक रहा है, देखिए ये बैग का सेट है, ये बैग इसका देखते हैं कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है। देखिए इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन भी चाइना है, ये भी चाइना से इंपोर्ट करके लोग अमेजॉन पे बेच रहे हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। इसका स्टोर दिखाता हूँ आपको, देखिए ये इनका स्टोर है। अब ये चेक करते हैं कि यहाँ पे कितने प्रोडक्ट्स जो हैं चाइना से इंपोर्टेड हैं और कितने ये लोग खुद इंडिया से सोर्स कर रहे हैं। तो ये वाला प्रोडक्ट देखते हैं कहाँ से है, चलिए ये वाला भी चाइना से इन्होंने सोर्स किया हुआ है। अगला देखते हैं, ये वाला देखते हैं तो थोड़ा महंगा वाला है, ये देखिए ये इन्होंने USA से इंपोर्ट किया है, थोड़ा अच्छी क्वालिटी वाला बैग है, इसको इन्होंने जो है USA से इंपोर्ट किया हुआ। तो और यहाँ पे सबसे अच्छी बात पता है क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि जनरली आप लोगों को नहीं पता कि इंडिया में वो उसका मैन्युफैक्चर कहाँ मिलेगा और मिलेगा भी तो हो सकता है कि वो उस क्वालिटी का बनाता। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि पहला जो कुछ इनिशियल उनका जो प्रोडक्ट है उसको वो चाइना से सोर्स कर लेते हैं, क्वालिटी वगैरह चेक कर लेते हैं, अपना स्टोर सेटअप कर लेते हैं, सेल्स वगैरह का एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद जो है ना धीरे धीरे वो इंडिया में डाइवर्सिफाई करते हैं, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को ढूंढते हैं जो कि वो प्रोडक्ट बना दें और उससे सस्ते में बना दें जो उनको इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इंपोर्ट इज़ नॉट अ बैड थिंग, आप इंपोर्ट से स्टार्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, बट बाद में आप उसको लोकल मैन्युफैक्चरर्स में डाइवर्सिफाई करके दोनों चीज़ें साथ में कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टोर्स हैं अमेजॉन पे जो ऐसा करते हैं जहाँ पे आप लोगों को चाइना से इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे और इंडिया से सोर्स किए हुए मतलब अपने देसी प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे वहाँ पे। तो ये बहुत ही कॉमन एक मेथड है अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने का या चाइना से स्टार्ट करके सेलिंग स्टार्ट करने का, डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट करने का। कि आप लोग इस वीडियो में अब तक रुके हुए हैं तो मेरी तरफ से दो टिप्स मैं आप लोगों को और देना चाहूंगा बिफोर एंडिंग द वीडियो। स्टार्ट विथ हॉबीज और इंटरेस्ट, मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि स्टार्ट विद योर इंटरेस्ट और हॉबीज, कोई ऐसा प्रोडक्ट सिलेक्ट करें जो आप खुद खरीदना चाहेंगे और खुद जिसके लिए पैशनेट होंगे। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक क्लोथ्स बट मेरे को जो है ना कभी भी क्लोथ्स फिट नहीं होते, सो इसीलिए मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट चूज करूंगा बेचने के लिए जो कि जो क्लोथ्स को है ना वो घर पे बैठे बैठे फिट कर दे बहुत इजीली। सो ऑलवेज स्टार्ट विद योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट,
एंड विद अ प्रोडक्ट दैट यू वुड लाइक टू बाय एट द एंड ऑफ द डे। दूसरा यह है कि सपोज आपने कोई और प्रोडक्ट चूज किया, फॉर एग्जाम्पल शू बॉक्स, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। तो स्नीकर बॉक्स आपने चूज किया टू इम्पोर्ट एज योर फर्स्ट आइटम एंड टू सेल इट ऑनलाइन। सो आपको करना यह है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेलर्स हैं अमेजोन में, आपको उन सेलर्स के उन प्रोडक्ट्स में जाना है और नीचे जाना है कमेंट सेक्शन में, और उनमें से देखना है, आपको चूज करना है बैड कमेंट्स, यानी जो बुरे कमेंट्स हैं उस प्रोडक्ट्स के बारे में उसको देखना है, और देखना है कि जो लोग हैं उस प्रोडक्ट के बारे में क्या चीज़ बुरा बोल रहे हैं, क्या उसकी क्वालिटी खराब है, क्या उसकी फिटिंग खराब है, क्या उसमें कोई और प्रॉब्लम है। तो इन बैड कमेंट्स को लेकर जब आप अपना फर्दर ऑर्डर देंगे आगे अलीबाबा में या अली एक्सप्रेस में या किसी और सप्लायर को किसी और कंट्री में टू इम्पोर्ट दिस प्रोडक्ट एंड टू सेल इट ऑनलाइन, तो आप लोगों को पहले ही पता होगा कि इस प्रोडक्ट में जो है ये प्रॉब्लम आती है। तो आप उस प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करने से पहले और सेल करने से पहले जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर देंगे और सेल करेंगे सेम दाम में सेम रिसोर्सेज के साथ। आपका जो वो प्रोडक्ट है आपके कंपेटिटर से अच्छा रहेगा और आपको फ़ायदा भी अच्छा रहेगा और आपको अच्छी सेल्स भी मिलेगी क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स में वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो ये एक मेरा छोटा सा वीडियो था ऑन हाउ टू फाइंड ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स जो कि आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं और इंपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।